हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे 50% महिला आरक्षण जो कि लेवल 1 की शिक्षक भर्ती में भजनलाल सरकार लेके आई है। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का विरोध हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के लोग खिलाफ हैं, महिलाओं को हक नहीं देना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपको भ्रमित करने की बातें हैं। कोई भी व्यक्ति महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं है। आज तक इतनी योजनाएं सरकार महिलाओं के लिए लाई है, क्या कभी पुरुष वर्ग ने विरोध किया है? नहीं ने किया। इसका मतलब पुरुष वर्ग महिलाओं के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। और यहाँ भी यदि बात 50% आरक्षण की होती तो पुरुष वर्ग बिल्कुल भी खिलाफ नहीं होता। ये 50% से कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये ज्यादा कैसे जा रहा है, तो 50% आरक्षण दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्यादा कैसे जा रहा है। बेसलेस बातों को हम करते हैं साइड में, हम करते हैं थोड़े से आंकड़ों पे बातें। हाल ही में बिहार में ऐसा एक नियम लाया गया था कि 50% न्यूनतम महिला आरक्षण दिया जाएगा जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो वहां पे जूनियर शिक्षक भर्ती हुई 1-5 वर्ग के लिए अक्टूबर 2023 में। वहां पे कुल भर्ती आती है 39,907 की, और उसमें से महिला अभ्यर्थियों की सीटें बुक होती हैं 27,965 और पुरुष अभ्यर्थियों को मिलती है 11,858। अब आप बताइए, क्या 39,000 में से 11,858 जो पुरुषों को मिली है, क्या वो आधी है? अच्छा, आधी छोड़िए, क्या वो एक तिहाई है? देखिए, 39,000 का एक तिहाई सीधे सीधे भी 13,000 होता है। 13,000 भी नहीं आई है, 11,000 आई है। इसका मतलब एक तिहाई भी जगह पुरुष नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि 50% महिलाओं के अलग से रख दिया है, तो वो तो महिलाओं का है। बचे हुए 50 में से महिलाएं कितना भी स्कोर कर पाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाएं 100 में से 70-75-80 तक सीटें बना पाती हैं। तो फिर ये पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात है। बात बराबर की होती, समानता की होती तो कोई विरोध नहीं था, लेकिन ये समानता से थोड़ा ज्यादा जा रहा है। और देखो, सशक्तिकरण करो, किसी को कोई विरोध नहीं है सशक्तिकरण का, लेकिन यदि एक वर्ग को कुचल कर सशक्तिकरण किया जा रहा है तो वो सशक्तिकरण नहीं, वो दूसरे वर्ग का हैरेसमेंट है। तो ऐसा होने से हमें बचाना है, और बचाने के लिए भी अब